सेंट पीटर कैथोलिक चर्च में प्रेमनगर अपने पेरिस पुजारी रेव फादर के साथ कुरिया का सहायक पल्ली पुरोहित फादर सुहेल जोसेफ और सभी वफादारों ने क्रिसमस खुशी से मनाया, क्योंकि यह खुशी मनाने का अवसर है। ईसाई परंपरा में ऐसा माना जाता है कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, इसलिए हम सभी इस दिन को खुशी से मनाते हैं। चर्च में रात्रि सेवा रात 10 बजे शुरू हुई और जहां सैकड़ों लोगों ने बेबी यीशु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भाग लिया। 25 दिसंबर को सुबह ही सेवा सुबह 11 बजे शुरू हुई, जहां फिर से सैकड़ों लोग भाग लेने आए और शांति और यीशु के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। क्रिसमस का त्यौहार हर साल बहुत धार्मिक उत्साह, खुशी, कैरोलिंग और शेयरिंग के साथ मनाया जाता है। लोग क्रिसमस का संदेश साझा करने के लिए कैरोल गाते हैं और खुशी, शांति और संपूर्ण मानवता की प्रगति है। ईसा मसीह ईश्वर होते हुए भी प्रत्येक मानव में शांति और भाईचारों का गुण स्थापित करने के लिए मानव बने हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बहुत सारे मतभेद और मानवीयता शत्रुता मौजूद है, इसलिए हमें यीशु मसीह समझने और सीखने की ज़रूरत है। क्रिसमस केवल बाहरी सजावट के बारे में नहीं है, बल्कि इस दुनिया में शांति और खुशी से रहने वाले के लिए भी किसी के दिल को साफ करना है। हम प्रार्थना करते हैं कि यह क्रिसमस पूरी मानवता और विशेष रूप से हमारी खूबसूरत देश में शांति और खुशी लाए। मेरा नाम फादर कुरियाकोस, यहाँ पर सेंट पीटर्स कैथोलिक चर्च का प्रीस इंचार्ज है। आज चर्च में क्रिसमस का सेलिब्रेशन प्रार्थना चल रहे हैं। कल रात को भी हमने प्रार्थना किया था, करीब 2 बजे लोग चले गए थे। क्रिसमस के बारे में कई बार हम बातें करते रहते हैं, संदेश देते रहते हैं। क्रिसमस हमें सचमुच एक प्यार का त्यौहार है। परमेश्वर का प्यार बादल की गौशाले में हुआ, वो भी यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। ये दुनिया सब कुछ, दुनिया को चलाने वाली ताकत पैसा और दिमाग के लिए प्यार है, लेकिन ये प्यार का संदेश है। प्यार दुनिया में कम हो गया था उस वक्त, ये कमी के वजह से परमेश्वर इंसान बनकर दुनिया पर आ गया। ये दुनिया के बीच में अपना प्यार बांटने के लिए, लोगों का दुख दर्द परेशान को हटाने के लिए। ये सब 33 साल दुनिया में रहेगा, लेकिन उसका खिलाफ बहुत सारे लोग जी रहे थे। यहूदी कौम उसको आखिरी में पकड़ कर मार दिया, लेकिन यीशु ने कहा मैं तो मुझे मारा जाएगा, लेकिन मैं 3 दिन जिंदा होकर ये हमेशा के लिए दुनिया में रहेगा। आज यीशु की आत्मा हमारे साथ है, वही प्यार का संदेश, प्यार का काम आज भी चल रहे हैं। आज ये क्रिसमस मनाने के मुबारक मौके पर यीशु मसीह से हम प्रार्थना करेंगे, अपने भगवान से प्रार्थना करेंगे, ताकि हमारे परिवारों में, समाज में, दुनिया भर में अमन और शांति हो जाए। आज मैं मेरे प्यारों को मेरी विनती है, प्रार्थना है, हम सारे मिलकर अपने अपनी जगह पर मंदिर में जाओ, गुरुद्वारा जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च में जाओ, भगवान से प्रार्थना कीजिए अमन और शांति के लिए, ताकि हमारा देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ते जाएगा। आज सबसे बड़ी बात है, दुनिया में प्यार की कमी है, नफरत बढ़ते जा रहे हैं, गलत काम बढ़ते जा रहे हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम सारे लोग कोई भी जाति का हो, कोई भी रंग का हो, भाईचारा का चिन्ह जी सकते, कंधों से कंधों मिला कर आगे बढ़ सकते हैं, ये देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आई विश यू मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।